जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे तो है ना हम हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग बने रही फॉर ग्रेट टिप्स एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विदर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री दोस्त कोई सजेशन दे तो वो एडवाइस और टीचर या कोई बड़ा वही सजेशन दे तो वो ज्ञान आई एम नॉट कम्प्लेंगर अंडरस्टैंडेबल है पीयर्स की बात ज़्यादा रिलेटेबल लगती है तो आपको लाइट इजी मैनर में अच्छी एडवाइस मिल सके इसलिए आज हम बात करेंगे एक आई प्रोफेशनल से जो कुछ साल पहले एक स्टूडेंट ही थे आपकी तरह टुडे ही इज़ वर्किंग विद एन एमएनसी एन एज अ सीनियर स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनकी जर्नी कैसी रही फर्स्ट जॉब पाना कितना मुश्किल था वॉट इज़ ही डूइंग टुडे हाउ कैन यू स्ट्रेंथन योर वर्कफोलियो क्या चीज़ करने से हेल्प मिलती है जॉब पाने में क्या चीज़ करने से हेल्प नहीं मिलती है सब की बात करेंगे सो लेट्स गेट टू इट बट बिफोर वी डाइव इन टू द कॉन्वर्सेशन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू आपका कोई भी रिव्यू फीडबैक क्वेश्चन या सजेशन हो तो ड्रॉप इन टू अर सात डब्ल्यू 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 डॉट कोट क्वेश्चन डॉट कॉम दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट सी ओ डी ई क्यू यू ओ टी आई ई एन टी डॉट कॉम And we would be more than happy to hear from you. So do that, and Abhi, let's fix the bug of finding our Zen in the rush of the IT industry. Fixing F -f 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 Fixing the bug. Powered by Code Quotient. Today in conversation with Samir Garg Joe Palo Alto Networks, a cybersecurity software company software engineer. और इनसे हम इनके रोल वर्क लाइफ बैलेंस फर्स्ट जॉब पाने का स्ट्रगल हर दिन कुछ नया सीखने के बेनिफिट्स इन सब के बारे में बात करेंगे एंड इफ यू वांट टू नो वो क्या चीज है जिसे देख के रिक्रूटर्स रिजेक्ट कर सकते हैं तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू माइट मिस आउट ऑन बट यू शुडंट शेल बी देन सो हेलो समीर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉन्वर्सेशन कैसे हो आप ंगलोर हैज्रेट व मुझे बैंगलोर सिटी बहुत पसंद है एंड डेली में बॉयिंग एनी वे टॉकिंग अबाउट योर प्रोफाइल तो आप अभी पैलो ऑल्टो के साथ काम कर रहे हो

लीडर्स इन द फायर वॉल्स लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो एंड ना उन्होंने मतलब काफी ज्यादा आस्पेक्ट में काम करते हैं तो स्पेसिफिकली आई एम अंड डेवलपर अभी तक एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है आई एम अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर तो बहुत थोड़े से लोग साथ में हम कोलेबोरेट करते हैं एंड वी वर्क ऑन डिफरेंट फीचर्स सो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ अ डेटा लेक लाइक people hear about database so data lake is like petabytes of data ek din mein aata hai. so it's at a very large scale and i get to manage that we write features and services around that so the day the day is pretty inspiring for me hmm. like i i started early and there are many hot burning issues like we have started this project like just in around a year ago so i'm just curious to know this project what is it Kya hai? Uh, any freshman students, if they're a out so firewall is a security layer that you keep on your network hmm. profile.

दे लॉग्स दे गेट इट डाउन और थ्रेट्स भी पता लग जाते हैं yeah. हैक्स नहीं हो पाते एंड दैट किंड ऑफ डेटा वी मैनेज वी सी एनालिसिस करते हैं हम उसका उसको बहुत अच्छे से कैसे आप सेग्रेगेट कर सकते हो व्हाट इस इंपोर्टेंट व्हाट इस नॉट सो दैट इस अ प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ओके तो आप <laughs>

उससे अच्छी उस तो कोई हो ही नहीं सकती बट आई टू बी वेरी प्राग्मेटिक एट दिस पॉइंट ऐसा बहुत रेयरली हो गया आपको दोनों चीजें अच्छी सम ऑर्गेनाइजेशन दे आर फॉर श्योर देयर बट नहीं आपको ऑल योर डेज कैन नॉट बी लाइक कहते है ना द सीजन केन नॉट बी वेल फॉर द होल ईयर तो इसलिए आई थिंक इन द स्टार्टिंग अगर वो कम पे पे भी अगर उसको अच्छी लर्निंग मिल रही है और वो ये चीज कर सकता है लाइक like, थोड़ी सी अगर कम रिस्पांसिबिलिटी आप मैनेज कर सकते हो एक दो साल थोड़ा अच्छा लर्निंग पे देन प्लीज प्लीज गो फॉर अ गुड लर्निंग बिकॉज दैट इज द बेस ऑन विच यू विल लाइक स्ट्राइव फॉर योर नेक्स्ट टेन ईयर एग्जैक्टली सो आई थिंक स्टार्टिंग में ठीक है बट आगे जाके ऑफकोर्स एवरी वन टू अर्न मनी दे वॉन्ट गुड लाइफ फॉर देम सेल्स फॉर देर फैमिली तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है बट इफ यू आर स्किल्ड इनफ देन पीपल पे यू फॉर योर गुड वर्क एज They pay you very heavily and also they pay you for your skill. So you are in a win, win win situation after a few years. But as about organizations they give you that training sort of environment. I was <laughs> lucky enough to manage the job joined. They worked on my skills. So it was like a boon for me. मतलब हाँ ये है कि वेरी लेस पीपल आर देयर लाइक आजकल थोड़े लोग इम्पेशेंट हो गए हैं सो so, इवन क्या कंपनीज भी इम्पेशेंट mm. हैं सो दे आर लाइक वाई शुड बी वेस्ट आर टाइम लाइक पहले आपको सिखाएं फिर आपसे काम करवाएरी वन वॉन्ट्स एवरीथिंग रेडीमेड तो वो है थोड़ा बट लकीली फॉर मी ऑल्सो लाइक यू सेड ऑर्गेनाइजेशन से लाइक आई हैव हैवी टू बैक एंड डेवलपमेंट आई एम एन एक्सपीरियंस बैक एंड डेवलपर बट द स्किल सेट रिक्वायर्ड है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई वर्क डॉन बिफोर तो इसीलिए

we had a common friend from whom i met with arun and that time code quotient was not even there actually mm. so it was in a very raw state so it was my vacation and i thought i'll like we met and we talked about some like something mm. related to coding and then i started by that way so i used to so like i am coding since like nine standard oh. so yeah so in my icse i was in like coding in java and then 11th 12th i didn't code mm. but yeah I have been programming clubs in my college. So I was passionate about it, but passionate and to be very, very skilled at it so that companies hire you is a different mm. thing altogether. So when I met Arun, so he like mentored me and he knew what were my weaknesses, what are my strengths, and how I can. Shine those better so that I am employable, hmm. and that way we started, of course, I <laughs> rejections me at Chihashi college mein. but uh, in the end, I got uh, placed with some mass recruiters, which I wasn't happy, and even Arun was also saying, okay, so I mean, like you can go ahead if you push a bit more, uh. so yeah, <laughs> I started a bit more, even mass recruiters, maybe ko log movie dekhne and I used to code <laughs> it it was very painful for me but.

It is paying me a lot, and of course consistency here. Like mm -hmm. with me, many kids started doing like that. We made a coding group. It, it helps you a lot. Like when you are in collaboration, and then you code, and then you like learn from each other's weaknesses, mistakes. You help each other out. Mm -hmm. Similar thing. I find that kind of a peer group. I with like at Arun sir's uh, under his mentorship, there were a few students, and that also I think helped mm. me a lot. There. तो तो अंडरस्टूड कि मतलब थोड़ा थोड़ा अरुण सर की गाइडेंस से आपको समझ आ गया हाँ, मैं थोड़ा अपने स्किल्स पे काम आई कैन माय बट कुछ बच्चे जो रियलाइज नहीं कर पाते हैं उनके लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री एट दिस मोमेंट इन आर कंट्री Mm. Like to be very honest, सबसे ज्यादा पैसा और आराम से की जाने वाली नौकरी है ये you shine it, you can grow year on year and like you work a bit hard and it's out there for you। आपको ऐसे नहीं की मेहनत करके भी और मेहनत ज्यादा मतलब आपको पत्थर तोड़ना पड़ रहा है रोज It's going well. So I think programming and development skills, both. coding but skills, you're not able to make a product, but you can code. That is also bad. But subi companies, when they will hire you as a fresher, they will ask you to do a coding round. They'll ask for four questions to do in an hour or two hours. And most of the people they know, ki, hum achha, ek hmm. website banal, app, bana sakte, but I cannot do a data structure algorithm. So I think you need to balance out.

I think if you if we work on it, we can get a bit better. Hmm. So, soft skills are very, very important. I, I have seen many of the kids who were very, very sharp in their skills, but just due to their calm skills, soft skills, they were not able to crack some good jobs. it's not what you say, but how you say that makes <laughs> <me hanged laughs> the job. Absolutely. I think it, it works day and night. Believe me, uh, it's very painful to say, but in the industry, people who are inferior to you. वो सिलेक्ट हो जाएंगे किसी पॉइंट पर आप नहीं होंगे जस्ट बिकॉज आप उस चीज को दिया प्लस अच्छे ये भी चीज करके प्रेजेंट मे इट बी बिकॉज आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन हो या हार्ड स्किल्स हो जो भी हो या लक खराब हो उस दिन पर रिजेक्शन बहुत फेस करनी पड़ती है टू इवेंचुअली लैंड अ जॉब तो उस

आई थिंक वॉट कैप मी गोइंग वॉज कि ठीक है आई नो वॉट आई एम डूइंग एंड फ्रॉम एवरी रिजेक्शन यू डोंट फील इट इज द रजेक्शन यू फील इट हाँ आज मैं एक और क्लास लगा के आया और आज मैंने ये सीखा hmm. अगर आप इस, इस से हर को देखना करो, है और बोलने में भी बहुत है कि नहीं, नहीं इसको लो, failure, hmm. मुश्किल लगेगा बट फिर ऐसे है कि अगर हम मुश्किल देख के छोड़ जाएंगे फिर तो हम वहीं रह गए ना जहाँ पे हम थे hmm. हमने पहले इतनी मेहनत करी एक इंटरव्यू दिया हमने कोडिंग की प्रैक्टिस करी और फिर आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए और फिर आप वहीं पे रह गए फिर अगर आपने हो सकता है pushing, कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ मैं रात को लेट तक पढ़ रहा हूँ मैं अपने हॉबीज को थोड़ा सा पुश बैक कर रहा हूँ सिर्फ टू लैंड अप इन अ गुड जॉब और लाइक मेक माई सेल्फ बेटर आई एम

एक तो हम ऑफिस में काम कम, काम कम करते हैं फन ज्यादा करते हैं ah. पीपल. So, so that is like है, काम में इफ यू मेक इट देखो काम तो सबको ही करना hmm. है सैलरी आपको उसी की रही है और आपको अगर किसी ने डेडलाइन दे दी है अगर तो मैं उसका प्रेशर ले लूँ फिर तो वो डेडलाइन पे पूरी होने वाली है और अगर मैं उसे एंजॉय करूं ठीक है भाई चार चीजें करनी है अपन एक एक करके शुरू करते हुँ. हैं साथ में थोड़ा चिल करो फ्रेंड से बातें करो अपना पियर से बातें यार मैं ये ऐसे कर रहा हूँ अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है ऐसी करनी चाहिए कोलेबरेट करो सबके साथ सो लाइक यू हैव पीपल सो यू कोलेबरेट विद योर एल्यूमनाइज

all the code is out there up there cookie how people are building things hmm. and what you can learn from them so i think that way it's it will be much easier it will be fun and

है आप अपना वर्क और मोस्ट ऑफ बैलेंस जैसे जहाँ तो पूरा ही चल कर रहे हैं या फिर उनको काम मिल गया तो वो सुबह उठ के काम दिन में काम रात को भी काम आई थिंक मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप को लाइक like, थोड़ा रिलैक्स करो कुछ एंजॉय करो मेक हॉबी आई थिंक वन इन सॉफ्टवेयर आईटी टी अब

सो so ये तो समझ आता है कि वी नीड टू फॉलो समथिंग दैट्स रिलेटेड टू आवर पैशन टू कीप द क्रिएटिव एबिलिटीज गोइंग अगर हम सब चीजें छोड़ के सिर्फ काम पे ध्यान देंगे तो शायद काम भी ठीक से ना हो पाए उसमें नई चीजों के लिए वी नीड समथिंग मोर तो ये तो हो गया हमारा पोस्ट जॉब वाला स्ट्रेस से डील करने का सिस्टम mm -hmm. हमने प्री जॉब भी स्ट्रेस से डील करने का सिस्टम समझ लिया कि जॉब नहीं मिल रही है तो उस वक्त के स्ट्रेस से कैसे डील करें बट जॉब तक पहुंचने के लिए

आप इतना एक करो एक ओपन सोर्स रखो अपने प्रोजेक्ट्स को एक तो ये हो गया आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली गिटहब पे डालो उनका एक वर्किंग मॉडल ला लो एक प्लेटफॉर्म पे लाइक इट शुड बी रनेबल रिक्रूटर आपके रनेबल ऐप देखे कि हाँ भाई इस बंदे ने ऐप बनाई है और ये ये काम कर रही है और मैं चला के भी देख एंड एक और चीज है कि

एक ओपन सोर्स और ये दो चीजें इट गिटअप एस एंड वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक मतलब उनकी दुनिया बदल दी है अगर वो उसे अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू करें राइट right. तो ये तो हमने बात की कि कैसे अ कैंडिडेट कैन शो देयर प्रोफाइल टू द रिक्रूटर्स बट अब रिक्रूटर उस प्रोफाइल को देख रहा है तो व्हाट आर टू थ्री थिंग्स दैट माइट मेक अ रिक्रूटर रिजेक्ट अ कैंडिडेट दो चीजें होती है एक तो छोटी छोटी बातें जिसमें एक जो बड़े कारण है फर्स्ट आई गो टू द छोटी बात छोटी बातें बातें एक तो होगी कि आप ग्रामेटिकल एरर्स दी बातेंट हो गए आपकी आपका रिज्यूमे रिज्यूमे इतना बड़ा आप लोग तीन पेज का बना रहे हैं mm -hmm. नहीं पड़ेगा कोई भी नहीं पड़ा आप खुद नहीं पढ़ते हो यार अपने तीन पेज का रिज्यूमे में कोई क्यों पड़ेगा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल वेरी क्रिस्प वेरी शॉर्ट वन पेजर्स लाइक मैंने पंद्रह पंद्रह साल के लोगों के देखे हैं हुआ लाइक एक्स गूगलर्स एक्स माइक्रोसॉफ्ट

कम लिखो जब कोई हर कोई सब कुछ लिख देता है रिक्रूटर्स नहीं यार बंदे ने मतलब उसने आज तक जिस बारे में सुना सब कुछ लिख दिया एंड उसके आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई और फिर सिर्फ वही चीजें लिखो जो आपको बहुत मतलब यू हैव वर्क रिगरसली ऑन दैट सो इट्स लाइक पीपल राइट की किसी ने आपने कभी किसी दिन दो दिन लगाए थे अपने फ्रेंड के साथ प्रोजेक्ट में आपने वो प्रोजेक्ट में अपने रिज्यूमर में चिपका दिया प्लीज ऐसे करोगे फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा और थोड़ा सा वो डीप चला गया यू विल नॉट बी एबल टू आंसर आपकी क्रेडिबिलिटी फिर खत्म हो गई फिर हो सकता है जो आपका दूसरा और तीसरा प्रोजेक्ट जो आपने खुद किया है उसके बारे में वो उसकी बारी भी नहीं आएगी राइट right. सो so, ये है बी क्रेडिबल बी ऑथेंटिक बी योर सेल्फ आई थिंक थोड़ा हो जाएगा पार्टिसिपेट इन कोडिंग टूर्नामेंट so if you participate regular enough you will able to get a good rank mm. you will be able to get some medals.

तो ये समझ नहीं आता है जब तक ना लगे हाँ मतलब लिखो मत बट बट आई थिंक प्लान फॉर इट लाइक आपको गोल करना है कि हाँ भाई मैंने दो महीनों में एक कोडिंग टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आना है मान लो आपने कह दिया कि मैं हैकर रैंक पे कोड कर रहा हूँ मुझे दो महीनों में किसी भी एक टूर्नामेंट में मुझे ब्रॉन्ज मेडल चाहिए ग्लोबल लेवल पे ठीक है आ, आपने अगर वो सोच लिया आप अपने आप करोगे आपको पता है कि नहीं भाई पंद्रह दिन हो गए कुछ नहीं हुआ नहीं मैं और करूंगा एक महीना हो गया नहीं हुआ और करूंगा I, that is what I did and like, ने भी बड़ा पुश किया कि बेटा कोडिंग कर लो निकल जाओगे आगे से तो आई थिंक सो दैट्स हाउन तो ये तो एक चीज हो गई कि हम छोटे छोटे गोल्स बना के उनको फुलफिल करने की कोशिश करें

So I'll take a like I'll see a quick video, I'll hmm. uh, take a playlist and watch some five six videos or us pressure But I think for students who are coming straight off out of colleges or are still in hmm. college or in the final years code quotient may I, I was talking with arun and they have made something very beautiful hmm. so now like their platform is so robust you code it out there and live platform option yeah live platform is there you code it out there it is being shown up how it is running and when the recruiters are coming

अब अगर आप यही चीज अब यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो ठीक है आपने कोड लिख दिया आप उस बंदे ने कहा कि ऐसे ऐसे ये बनाया करो आपने बना दी कौन आपको बताएगा कि नहीं इसको आप ऐसे बेटर कर सकते hmm. हो इसमें आप ये भी डाल सकते हो इसमें आप ये कर सकते हो सो देर इज नो वन टू टेल यू बट वेन यू है दे अ लिस्ट ऑफ यूट्यूब की हाँ ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए और बेस अच्छा बनाना है तो अपना बेसिक्स एकदम शार्प करना है तो एट ईच स्टेप पे मेंटरशिप होनी चाहिए एंड व्हाट आई लाइक अबाउट कोड क्वेश्चन एन इंजीनियर यू आर इवन मेकिंग हिम डाउन वो स्पून फीडिंग नहीं, hmm. engineer, नहीं कर रहे वो एक मेंटरशिप कर रहे हैं आपको गाइड कर रहे हैं एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड कि अब इफ द स्टूडेंट इज पुशिंग हिज ओन लिमिट ऑल्सो एंड ऊपर से मेंटरशिप आ रही है सो दैट्स दैट कॉम्बिनेशन इज आई थिंक सो इज आई जस्ट रिकॉर्ड शेयरिंग इट विद यू मैंने के से बात की थी एंड ही टोल्ड मी की मैं नहीं चाहता की मुझे हर वक्त कोई मिनट और मिले मतलब मेरे पास वो एंड पॉइंट के लिए हो तो वो एंड पॉइंट के लिए रहे मैं पहले तीन बार खुद से चाहे गलत करूं पर एटलीस्ट oh. मुझे ये पता चलेगा की इस चीज को सही करने का चौथा वे है बट मैंने तीन गलत तरीके भी सीखे वो लर्निंग oh. की जर्नी बहुत जरूरी है I I absolutely agree. Uh, if uh, I tell you last week we were debugging something, issues So code नहीं करना है, Code तो लिख, लिखा हुँ. हुआ है ठीक है कुछ एक framework बना हुआ है अब आपको debug करना है हुँ. अगर आपको यही नहीं पता कि ये गलती किस किस वजह से हो सकती है तो you cannot move हुँ. ahead. तो so, अगर आपको सीधा पता है कि अगर मैं वन प्लस वाले लिखूंगा टू हो जाएगा तो अगर आपको ये पता है कि अच्छा ये गल, गलत हो रहा है ये इस कारण hmm. भी हो सकता है इस कारण भी, भी हो सकता है और इस कारण भी हो सकता है एंड आई थिंक अरुण डूइंग ग्रेट इन दैट टर्म्स बिकॉज समथिंग सो आई कोडिड इट इन करो मेहनत करो करो डिथा तो ठीक है एक घंटा लगा एक पांच मिनट के कोड को एक घंटा लगा बट एट द एंड मुझे पता चला हाँ आगे से क्या नहीं करूंगा अगर वो सीधा वो उनको क्या था वो तो बता देते एक बार में तो बट वही थी ना एक एक दैट्स हाउ आई थिंक वन फील्स और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एंड पॉइंट पे कोई गाइड करे देन हर स्टेप पे आपको कोई बता रहा है तो फर्क तो पड़ेगा ही राइट right. तो हमने ये तो समझा कि मिस्टेक्स आर इम्पोर्टेंट पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड पर वो क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं मिलती तो हम करते रहते हैं विच आर नॉट मतलब बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जैसे स्टूडेंट्स को एडवाइस हम दें कि वर्क ऑन योर ग्रामर तो वो बहुत छोटी एडवाइस mm -hmm. है पर वो काम अभी से करना शुरू कर देंगे तो इट वुड हेल्प देम इन द लॉन्ग रन सो फॉलोइंग द सेम लाइन वॉट डू थिंक स्टूडेंट्स यूजली इग्नोर और टेक लाइटली ड्यूरिंग देयर कॉलेज बट शुडेंट सो वो तो आई थिंक think... इसमें से थोड़ा सा पार्ट वॉट लाइक आई हैव बिफोर आई विल लाइक टू द सेम बिकॉज वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है लोग कह देते हैं प्रोफेसर भी कहेंगे कॉलेजेस में में बेटा कोडिंग करा करो प्लेसमेंट काम आएगी ठीक है आपको फर्स्ट ईयर में कहेंगे फिर सेकंड में कहेंगे फिर थर्ड में कहेंगे और बच्चे अरे कर लेंगे अभी दो साल है अभी एक साल है अभी एक और सेमेस्टर hmm. है और फिर कोडिंग में व्हाट आई फेल्ट वाज मैंने भी एक गलती की थी मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत कम कोडिंग की और सेकंड ईयर में हेल्प केयर कर थर्ड ईयर में शुरू करी

बट लगाओ डेली लगाओ विदाउट एनी फेलियर और जब हम एक कंसिस्टेंटली करते हैं जब आप एक साल दो साल तीन साल करोगे तब तो आप सोचो कि फोर्थ ईयर तक जब आप पहुंच रहे हो और लाइक यू विल बी मच बेटर देन योर पियर क्योंकि व, वो वो लोग होंगे जिन्होंने फोर्थ ईयर से पहले वाली वेकेशन में सिर्फ दो महीने कोडिंग करी और आप हो कि आप चार सालों से कर रहे हो सो दैट इज व्हाट आई थिंक लोग लाइटली इस चीज को ले लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा बट शुरू से करेंगे तो और ज्यादा अच्छा hmm. होगा और ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई अब यही टीचर्स तो like आते हैं ठीक है आप कह दो कि मैंने की कर ली, की कर ली बच्चे आजकल कॉलेज में ही कर लेते हैं ठीक है आपको स... आपने बनाया क्या सो so, टीचर्स को भी यही है आप उनको लैंग्वेजेस पढ़ा दोगे आप उनको फ्रेमवर्क्स पढ़ा रहे हो बट आई थिंक थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन साइड होना चाहिए अ टीचर शुड नॉट से आई विल टीच यू एब्रेक्शन इन जावा आई विल टीच यू हाउ टू इम्प्लीमेंट हाउ एब्रेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा तो वो थोड़ी सी लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होनी चाहिए इवन स्टूडेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी बी अ बिट मोर प्रैक्टिकल लेट द स्टूडेंट कोड इन द क्लास इटसेल्फ एंड देन यू सी ओके क्या इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में क्या डिफरेंट टेरर्स आ रहे हैं

स्किल सेट एक लैंग्वेज में मुझे बहुत अच्छा कर देना चाहिए था। like C, hmm. एक तो एक, और एक मैं डेवलपमेंट स्किल्स भी उतने ही शार्पन करता जितने मैंने अपने डाटा से सो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता बट दैट्स वॉट आई वुड लाइक टू माइ से वन की स्ट्राइक आउटेंस डू All the things and like not all, of course not all the things. Do the development, do the programming hmm. and be better in one of the frameworks or one of the language. Just don't pick a front end, back end or सब कुछ उठा लो, कुछ उठाओ और उसको बहुत अच्छा. तो ये एक saying है मैंने पहले भी एक interview में एक teacher से discuss की थी कि आज के जमाने में you have to be jack of all but master of one. Yeah.

कि देखो सब लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे पेन ये मेरी थोड़ी रिकमेंडेशन है सोशल मीडिया, जाओ, और सोशल मीडिया में रील हाँ so, be करने में फन एलिमेंट इंसान को रखना चाहिए दस मिनट का <laughs> और उसके बाद बाकी <laughs> के बीस मिनट थोड़ा इंस्पिरेशनल लेकिन ऐसा करना मुश्किल है बट अगर करें तो अच्छा होगा हाँ, वो सेल्फ कंट्रोल धीरे-धीरे आ जाता है। I think we've had a really good conversation और इसमें काफी कुछ मुझे भी इनफैक्ट अभी सीखने को मिला। ये इनेट होना चाहिए इंसान में कि नो मैटर यू आर इन यू लर्न समथिंग न्यू आई थिंक यस वो उसका फायदा तो बहुत ज्यादा हो जाता है मतलब आपको आप अच्छा इट्स वेरी एग्जैक्टली

make them reach a place there they will be like hmm. they'll be doing the best for them so. okay so with that we shall say bye bye to you it was awesome talking with you shivang thank you amazing. bye bye okay thank you and that's that as always हमने लाइट शेड कर दी है थोड़े रास्तों पे उनके प्लस माइनस डिस्कस कर लिए हैं अब पाथ फॉलो कौन सा करना है दैट इज अप टू यू वी विल ब्रिंग मोर सच कन्वर्सेशंस टू कीप यू इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड क्योंकि हमारा एम एक ही है That you do best. So stay connected with us and until we meet again, you keep coding, keep learning, and keep fixing the bugs. Fixing! fixing the bug. the bug powered by code quotient